इस वीडियो में कुछ पौराणिक मंत्रों का उच्चारण किया गया है, तो वीडियो देखने से पहले हेडफोन लगा ले, वरना बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके चूतड़ों पे डंडे पड़ने हैं। लगा ही ले। तो डूड, तुम्हें पता है कि पोकेमोन में मेगालोडन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड ये हारी हुई बाजी को भी जिता सकता है। अब हम पहले ही एक बात बता दे, एंड जिन्हें भी पता नहीं है कि पोकेमोन के मेगालोडन क्या होते हैं, खैर उसकी बात अलग है, लेकिन आज हम मेनली फोकस करने वाले पोकेमोन के चार्जार्ड पर। एंड तुम्हें जैसा कि पता है चार्जार्ड के पास दो मेगालोडन है, एंड म्यूटो के पास भी। अब इन दोनों के पास ही ऐसा क्यों है, मैं पहले बता दूं, एक पागल सा साइंटिस्ट था एंड जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो म्यूटो के लिए, एंड म्यूटो के लिए करना था तो पहले टेस्ट तो करना ही चाहिए, एंड टेस्ट के लिए उसने अप्लाई किया चार्जार्ड पर, एंड ये सक्सेसफुल रहा, तभी से चार्जार्ड एंड म्यूटो के पास दो-दो मेगालोडन आ गए। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, ठीक है? अब सुनो, पहले तो हम आज मेनली फोकस करने वाले चार्जार्ड पर। अब चार्जार्ड के एक्स एंड वाई एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा पावरफुल या फिर सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बताऊंगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अब पहले मेन बात पर आते हैं। सबसे पहले तो यार चार्जार्ड एक्स की बात करें, तो चार्जार्ड एक्स को झांट फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, उसके सामने अगर उसका बाप भी होगा ना तो भी वो उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, बिकॉज हाँ यार उसका दिमाग गर्म रहता है। एंड मैं पहले बता दूं, जो चार्जार्ड एक्स है वो एक ऐसा पोकेमोन है ना जिसके अगर सामने बच्चा भी होगा ना तो भी वो मारेगा, उसके अगर पावर का नहीं होगा भाई, उसके सामने विग्लेटफ भी चली जाएगी, जिग्लेटफ भी जाएगी ना तो भी वो उसे मारेगा, एंड उसे मारना ही है, ठीक है? लेकिन हाँ, सीरीज में काफी ज्यादा फ्रेंडली दिखाया गया, बिकॉज वो ना किसी का ओन था, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा सीन था, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा गर्म दिमाग के होते हैं। एंड वही बात करें चार्जार्ड वाई की, तो वो थोड़ा बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, अगर उसके सामने कोई ज्यादा पावरफुल है तो फिर वो थोड़ा दिमाग लगा लगा कर मारते हैं, एंड मारने में सक्सेसफुल रहते, ठीक है? वरना अगर वो मारने में सक्सेसफुल नहीं रहता या फिर उससे ज्यादा कोई कमजोर है उसके सामने, तो फिर वो उस पर अटैक बिल्कुल भी नहीं करता, या ये मतलब काफी ज्यादा बेहतरीन सीन है, बिकॉज जो वाई है वो थोड़ा नर्म दिमाग का है एंड वो अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेता है, बट उसके इसी हरकत के कारण वो है एकदम चूतिया सा पोकेमोन जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। क्या आपको पसंद है? मैं पहले बता दूं, जो ऐसे आजकल के बच्चे होते हैं जिनमें जोश रहता है एकदम, मतलब मारपीट के लिए उतर जाते हैं और जो होता है सोच जाता है बाद में, हाँ बिल्कुल चार्जार्ड एक्स की तरह, इसलिए ना चार्जार्ड एक्स सबके फेवरेट ऐसे है। लाइक तुम में से 80-90% तो होंगे ही जो कि चार्जार्ड एक्स को पसंद करते होंगे, बाकी मेरी तरह जो 10% बंदे हैं या फिर मतलब 20% जो चार्जार्ड वाई को पसंद करते होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चार्जार्ड वाई को ही जिताने में भिड़ जाऊँ पूरे वीडियो में, ठीक है? ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, जो इसका तरीका है, मतलब जो रहने वहने का तरीका है। हाँ, जैसे कि तुम्हें पता है, मान लो कि चार्जार्ड गया किसी जंगल में, अब जंगल में गया तो उसके सामने कुछ पोकेमोन जंगली और पोकेमोन साथ है ना, वो आ गए, तो ये क्या करेगा, साले सभी को मारेगा, ठीक है, एंड एक एक को पेल पाल कर रख देगा। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो कि कोई बड़ा सा पोकेमोन उस पर अटैक कर दिया, अब क्या उखाड़ लेगा वो चार्जार्ड का, अगर दुगना तिगना पावर वाला आ गया तो क्या ही उखाड़ लेगा चार्जार्ड एक्स, कुछ भी नहीं कर पाएगा वहां पर, वो अकेला पड़ जाएगा, बाकी जो उसके जो जिसने उस पर अटैक किया ना जंगली पोकेमोन वो भी भाग कर चले जाएंगे कहीं और, ठीक है? अब आते हैं जो पोकेमोन वाई है वो क्या करेगा, देखा जाए तो ये एकदम ही उल्टा करेगा उसके, ठीक है? अब देखो मैं पहले बता दूं, अगर ये किसी जंगल में गया, अब उस जंगल में जो बाकी जंगली पोकेमोन भी है छोटे बड़े, तो उनसे ये दोस्ती करेगा, अब दोस्ती करने के बाद वो साथ में रहेंगे, साथ में खेलेंगे मेलेंगे, ठीक है? उसके बाद पेलेंगे नहीं, साथ में खेलेंगे और मेलेंगे, ठीक है? जो उसके पर एक बड़ा सा पोकेमोन अटैक कर देगा, अब उसमें क्या सिस्टम होगा कि अगर वो सारे के सारे मिलकर फिर अटैक करेंगे उस पर, ठीक है? एंड हाँ, चार्जार्ड वाई जैसे कि तुम्हें पता है, ठीक है, कि चार्जार्ड एक्स ड्रैगन फायर एंड फ्लाइंग टाइप है, ठीक है? एंड उसी के अकॉर्डिंग ये जो पोकेमोन एक्स वाई है, ठीक है, तो वाई भी वही सेम ही है, ठीक है, ये भी फायर एंड वाई, मतलब वाई वैसे देखा जाए तो ज्यादातर ड्रैगन टाइप नहीं लगता ना, बट कोई बात नहीं है, फ्लाइंग एंड फायर एंड ड्रैगन टाइप भी है, तो इनके काफी ज्यादा खतरनाक मूव्स भी है, ड्रैगन क्लो, ड्रैगन रेज, फायर ब्लास्ट, काफी ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन मूव्स है, बट नहीं, मतलब उनको उस टाइम पर यूज करना उसको नहीं आता। अब चार्जार्ड एक्स क्या करता है, वहन जो एक बार में मार देगा, ले मतलब उसे खत्म करने से मतलब रहता है, ना कि तेरे पे क्या बीतेगी, तू क्या कर लेगा, उससे कोई भी मतलब नहीं रहता, ठीक है? उसे झांट फर्क नहीं पड़ता कि तेरे आगे क्या हो रहा है, तेरे से क्या बीत रही है, ठीक है? उसे मतलब बस और बस खत्म करना है तुझे। और वहीं पर अगर हम बात करें वाई की, तो मतलब हमेशा की तरह वो हमेशा मतलब गर्म दिमाग पे मतलब नहीं रहेगा, वो ठंडे दिमाग से सोचेगा एंड उसके बाद सारे मिलकर उसको डिफीट करने में लगेंगे, ठीक है? ना कि वो अकेले जाएगा और मर मुर कर आ जाएगा एक्स की तरह, तो एक्स इसलिए मैं जो चूतिया है वो, ठीक है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। एंड तुम भी अगर एक्स की तरह दिमाग गरम वाले तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो अपना रह सकते हो, बट जहां तक मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत शांत दिमाग के रहना चाहिए या बिल्कुल वाई की तरह, तो काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। लाइक उसमें हमें क्या होता है कि हम बड़े एक आदर कर सकते हैं। अब आदर से ज्यादा एक और पॉइंट उठाता हूँ आदर का, ठीक है? अब मान लो कि पोकेमोन एक्स का क्या होता है,
कभी कभार दिमाग भड़क गया तो अपने ट्रेनर पर भी अटैक कर सकता है, या मतलब कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि वो ट्रेनर पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसका गर्म दिमाग रहता है। एंड देखो, जैसा कि जो रेड का चार्जर है, अब उसने बचाने के लिए किया था, वो फ्रेंडली इसलिए था क्योंकि वो हमेशा से बच्चे बच्चे मतलब आए थे। एंड मान लो कि अचानक से किसी जंगल या फिर टेम्पररी मतलब एकदम अचानक से मिल गया, ठीक है, एंड अचानक से मिलने के बाद वो उसे कैच करना चाहता था या फिर उसे फाइट करना चाहता, तो वो उस पोकेमोन को तो डिफीट करेगा ही, लेकिन अगर पोकेमोन डिफीट हो जाता है तो चार्जर उस ट्रेनर पर भी अटैक तो कर ही सकता है, भाई गर्म दिमाग का है। एंड वहीं अगर बात रही पोकेमोन वाई की, यानी कि चार्जर वाई, तो वहाँ पर क्या है कि अगर वो कैच होना चाहेगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होना चाहेगा तो हाँ, अगर उसको पोकेमोन डिफीट करना चाहेगा तो कर सकता है, एंड नहीं करना चाहेगा तो वो मतलब मार मोर कर भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है ना, एक्स इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट इसलिए वो फेवरेट है लोगों का, क्योंकि वो ना कुछ सोचता समझता नहीं है और अचानक से ही कर देता है, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी परिणाम हो वो तो देख ही लेगा, वो अपने आप को ऐसा तो फील कराता है कि हाँ भाई मुझसे तो यहाँ पर कोई महान है नहीं, तो ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज जो भी पोकेमोन एक्स एंड मतलब जो भी चार्जर एक्स के फेवरेट है, या फिर जिन्हें भी लगता है कि एक्स अच्छा है, कमेंट में बता देना मुझे, ताकि मुझे पता तो चले कि किसका फेवरेट एक्स है एंड किसका फेवरेट वाई। वाइट भी देखो इसमें क्या है कि अगर कभी वर्सेस होता है पोकेमोन चार्जर एक्स वर्सेस चार्जर वाई, तो इसमें काफी हद तक ये चांस है कि वाई जीत जाए, बट हमें क्या लगता है कि हाँ यार एक्स ही जीतेगा एंड वही जीतना ही है उसे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुनो मैं क्यों कह रहा हूँ, पावर के मामले में भले ही जीत जाए एक्स, लेकिन जो बुद्धि है वो तो है वाई के पास ना। अब हम बात करेंगे, देखो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, आपको क्या लगता है अगर आपके पास में दो चीज़ें पड़ी होंगी, अगर बुद्धि और पावर, तो आप क्या लोगे? अब आपको पता है कि आपको क्या लेना है, पावर लेकर क्या ही उखाड़ लोगे, सिंपली है ना, तो आपको मतलब डेफिनेटली बुद्धि लेनी चाहिए। तो यही सीन होता है इन दोनों के पास। अगर देखो मतलब वो जो चार्ज आना है उसको ये बात पता होगी कि अगर वो ये अटैक करता तो मेरे को कौन सा अटैक करना चाहिए, एंड जो एक्स होगा वो सिंपली यही सोचेगा कि मैं कोई सा भी अटैक करके पहले इसे मारूंगा, ठीक है। तो यही सीन होता है, वो पहले सोचेगा मैं बच बच कर इसे थका वका दूंगा, हीरो वाला मामला। खैर अगर बात करें एक्स ही कमजोर हो तो, या फिर वाई कमजोर हो, पेल पार कर भाग जाएगा। खैर ये सब तो रही मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपका क्या कहना कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मैंने किसी भी के मतलब हेट वेट नहीं किया है, हाँ मुझे एक्स भी अच्छा लगता है वाई भी, बिकॉज मैंने मतलब इन दोनों को छोड़ा, अब मेरे को चार्जर ही बेस्ट लगता है, वो किसी में भी इवॉल्व हो भाई, वो तो अपने पर डिपेंड है। अब सुनो यार, कोई बात नहीं, मैं तो आपको अगली वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, मैं तो आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।